गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंह। स्टडी अकाउंट विद शुभम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर में देखा, हम लोगों ने मेथड देखे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होती है। तो हम लोगों ने दो मेथड देखे, एक तो हम लोगों ने ये देखा सिंपल मेथड, और दूसरा देखा हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हम लोगों ने देखा कि सिंपली हम ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे, और प्रोडक्ट मेथड में देखा कि हम सारा जितना भी है ना सबका ये पीरियड से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर टोटल जो प्रोडक्ट होगा उस पर एक महीने का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उसको अप्लाई करके। हम लोगों ने बस ये दो चीज़ देखी, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा एक कदम आगे जाएंगे और देखेंगे कि और भी कई तरीके होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती है जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे अलग अलग तरीकों से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर केस नंबर वन दे रखा है। आपके क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा कि ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ध्यान देना आप लोग, क्या लिख देगा, ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करता है पार्टनर। आपको समझ में आ रहा है, हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करता है पार्टनर, इसका मतलब ये हुआ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ना, कि जैसे महीना शुरू होता है पार्टनर ड्राइंग कर लेता है। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, जरा इसको आप देखें। देखिए या तो हम बहुत ही लंबा इसको खींच लें, या तो हम बहुत ही लंबा इसको खींच लें, पूरा एक लेक्चर बना दें दो घंटे का। आप लोग ये चाहते हो ऐसा हो तो हम ये ऐसा भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि टोटल तीन केसेस हैं आपके पास। टोटल तीन केस होंगे, जहाँ पे एक केस होगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, दूसरे में दे सकता है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और तीसरे केस में देगा एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। एक तो बिगिनिंग, एक तो एंड, एक तो मिडिल, ये तीन केसेस होंगे। अब आप लोग क्या चाहते हो, इसको हम बैठ के समझाएं आप लोग को, आप लोग जो है समझो, मेहनत करो। देखो मेहनत तो गधा भी करता है, मगर वो गधा होता है, ठीक है। तो अब आप लोग को जो चाहते हो, हमने बताया ना, पहला वाला बनना चाहते हो तो पहले वाला बनो, या तो स्मार्टली ट्रिक जानो और काम करके आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ज़्यादा डीप में घुसेंगे नहीं, अगर कहोगे तो हम इसको फिर से ये लेक्चर पढ़ा देंगे डीपली, हम इसको जो है दोबारा अपलोड कर देंगे ये लेक्चर डीपली पढ़ा करके, वो भी टेक्निक हम बता देंगे जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है, बड़े ही अंदर बड़े ही डीप तरीके से जाता है, ठीक है, हालत ख़राब कर देता है वो। या तो जो हम शांति से बता रहे बस उसको जो है दिमाग में बैठा लो, एक सेकंड लगेगा, ठीक। सर जरा बताइए ना आपकी ट्रिक क्या है। देखो सीधी सी बात, कह लो ये रटा रहे हैं हम, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक। तो जरा देखो मेरी ट्रिक, अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में आप लोग को दे देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ऐसा कुछ दे देता है, तो बस आप लोग एक चीज याद रखो। क्या सर, देखना देखना जरा जादू देखना, बस ये चीज बस याद रहेगा जिंदगी भर ना, अगर तो ये कितना भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दे देगा आप लोग दो सेकंड में सॉल्व कर लोगे। सर जरा बताइए ना क्या चीज, देखो पहला चीज याद रखो, ये क्या लिखा सर, ये तो सर प्लस वन आपने लिखा शायद, हाँ बिल्कुल सही प्लस वन, दूसरा माइनस वन, तीसरा प्लस जीरो, ये किसके लिए अप्लाई होगा, ये किसके लिए होगा, कैसे अप्लाई होगा हम बताएंगे, ये ट्रिक है, किसी कोचिंग में बताई नहीं जाएगी, किसी कोचिंग में बताई नहीं जाएगी ये मेरी। देखो हम जब स्टूडेंट थे ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी हमें, अकाउंट वगैरह जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट लगता था, अब ऐसे ऐसे फार्मूले थे आदमी रटे कैसे, तो शॉर्टकट ट्रिक हमने बनाया। हम ये नहीं कहते कि आप लोग फार्मूला नहीं रटना, फार्मूला इसको रट लेना क्योंकि प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, मगर ये शॉर्टकट ट्रिक जो है सीख लेना। प्लस वन सर किसके लिए होगा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक, माइनस वन एंड ऑफ एवरी मंथ, लिख लेना एवरी मंथ लिख दें, एवरी मंथ समझ लेना, ठीक है ना, समझ तो जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये किसके लिए होगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, समझ में आई बात, प्लस वन माइनस वन प्लस जीरो,
ये तिगड़ी बुद्धि अगर लगा दिए, दुनिया का बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, 2 सेकंड में सॉल्व होगा। अभी हम क्वेश्चन करा के भी दिखाएंगे आप लोग को। बाकी फार्मूला आप लोग याद कर लेना, हम ये नहीं कहते फार्मूला मत याद करना, क्योंकि वहाँ प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। मगर ये अगर मान लो ये उस बच्चे के लिए है जिसको बड़ी प्रॉब्लम होती हो रटने उठने में, तो अब वो क्वेश्चन तो सॉल्व करेगा नहीं। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप लोग ऐसे सॉल्व कर दोगे तो आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। तो वो बच्चा जिसको पास होने के लाले पड़े हैं, उसके लिए तो 1 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक। और आप लोग को तो फॉर्मूला रट्टू तोता हो गए तो फॉर्मूला रटना, वरना ये ट्रिक जान लो, +1 -1 +0, इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये अभी जान लेना। अभी अभी हम बताएंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करने का तरीका अभी हम बताएंगे। ये तो समझ लिया ना, अगर किसी क्वेश्चन में रहेगा कि ड्राइंग आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो दिमाग में दौड़ जाना चाहिए सर +1 वाला फार्मूला। एट द ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो -1 का फार्मूला दौड़ जाना चाहिए। एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ या एवरी मंथ तो +0 का फार्मूला दौड़ जाना चाहिए। इसको जरा सर अब थोड़ा करके देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा करके देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। ठीक है सर, तो ये हमने जो बताया इसके वजह से आपका ये पूरा केस एक बार में ख़त्म हो गया। सर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो सर +1, अभी बताएंगे कैसे होगा। अगर सर ये है एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो सर -1, सर अगर ये है एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ तो +0। इतना समझ में आ गया ना, ये 3 चीज समझ में आ गई ना आपको। अगर ये 3 चीज आ गई तो चलिए आइए बस क्वेश्चन करते हैं, शांतिपूर्वक बिल्कुल रहिए, ठीक। अब जरा देखना, ए ड्रॉस 2000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब जरा कैसे कैलकुलेट होगा जरा देखना, फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो सर +1 वाला फार्मूला लगेगा, +1 वाला फार्मूला। पक्का ना? हाँ सर पक्का, +1 वाला फार्मूला लगना है, ठीक। तो अब जरा देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये आचा पाचा हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, इतना लंबा हम घसीटेंगे नहीं, दे देंगे आप लोग नोट कर लेना और फिर बाकी जो है समझना अपना आराम से। मगर देखो +1 का फार्मूला, सिर्फ आंसर हम लोग चेक कराएंगे, हम सिर्फ आंसर आपसे चेक कराएंगे। जरा क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग क्या बोलता है। ए ड्रॉस 2000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो सर कितने महीने के लिए, साल भर में कितने महीने? सर 12 महीने, 12 महीने होते हैं ना। अगर यहाँ 6 दिया होता तो 6 महीना हम लिख देते पहले, 12 महीने के लिए। फॉर्मूला कौन सा लगना है सर? +1 वाला लगना है, तो यानी सर 12 +1। अब क्या करना है सर, रुको इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे, गड़बड़ हो गया ना, गंदगी छीछा लेदर क्यों मचाना हम लोग को, थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको, ठीक। सर 1 साल में 12 महीने, कौन सा फॉर्मूला लगना है सर? +1 का फॉर्मूला लगना है। ये दोनों कितने नंबर हैं सर? 2 नंबर है, एक ये तो डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया सर? 6.5 आ गया ना, 6.5 आ गया कि नहीं आ गया? ये 6.5 क्या कैलकुलेट हुआ? ये मंथ कैलकुलेट होकर के आ गया, ठीक। 12 + 1 वाला फॉर्मूला है, ये कितने हैं दोनों मिलाकर? 2 हो गए, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सब में डिवाइडेड बाय 2 होगा। हमने वहां नहीं बताया, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, धीरे धीरे बताएंगे। इसका समझ में आ गया, 6.5 महीने का, यानी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब जरा 6.5 महीने का कैलकुलेट करके देखो, 2000 विड्रॉ किया है, 2000 रुपये कितने दिन के लिए? 12 महीने, यानी कितना विड्रॉ कर लिया होगा सर? 24,000 रुपये विड्रॉ कर लिया होगा। अब 24,000 का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, कितने परसेंट के हिसाब से? देखो दिया है नीचे लिखा है ना, 15% के हिसाब से, ठीक। 24,000 का 15% के हिसाब से कितने महीने के लिए? तो पहले वाले केस में कितने महीने के लिए? 6.5 महीने के लिए। तो जरा देखो, इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6.5 कितना आ गया? 1950। जरा आंसर देखो, 1950, 1 सेकंड में निकाल दिया। नहीं तो इतना आंचा पांचा लिखना है तो करना है तो करो भाई आप लोग, हमने तो मना किया नहीं है, आंचा पांचा करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सर जरा आगे का देखें अब, ठीक है, आगे का देखते हैं। बी ड्रॉस 2000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सर -1 का फॉर्मूला लगना है, -1 का लगना है, ठीक है। पहला वाला केस हम इसको ऊपर वाला मिटा दें, थोड़ा अच्छे से जगह हो जाएगी तो लिखने में मजा आएगा ना फिर हम लोग को,
ठीक, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं रफ, ठीक है ना। ठीक है सर, दूसरा वाला केस हम लोग सॉल्व करते हैं। सर तो दूसरे वाले में लिखा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि माइनस वन वाला फॉर्मूला लगना है। ठीक, कितने महीने तक निकाला है पैसा 2000, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ यानी हर महीने निकाला है, तो एक साल में सर 12 महीने। अगर डेट दी होती ना तो जितना महीना होता यहाँ हम उतना महीना लिख लेते, मगर यहाँ डेट नहीं दी है तो हर महीने निकाला है तो मतलब 12 महीने निकाला होगा। तो सर 12 माइनस 1, माइनस वन का फॉर्मूला रखना है। हाँ सर, ये दोनों मिला करके कितने हुए सर 2, तो सर डिवाइडेड बाई 2 हो गया, कितना आया ये सर 5.5 आ गया ना, 12 माइनस 1 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 तो सर 5.5 आ गया। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। तो 5.5 महीने का कैलकुलेट होगा। जरा देखो, 2000 हर साल विड्रॉ हुआ है तो 12 महीने में सर 24,000 निकला होगा, 24,000 का कितना सर 15% के हिसाब से 3600, मगर ये तो साल भर का है, हमें कितने दिन का चाहिए सर 5.5 महीने का, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5.5, 1650 आ गया। जरा देखना आंसर कितना आंसर आया, 1650 आ गया। ठीक, अब जरा तीसरा केस देखो, इसको रफ कर दें फिर से हम, ठीक है। तो अब जरा तीसरा वाला हम लोग केस देखते हैं। सर कौन सा है तीसरा केस? मिडिल ऑफ एवरी मंथ सर, मतलब कि प्लस 0 होना है ना। हाँ सर बिल्कुल होना है। कितने महीने तक निकाला है? सी ड्रॉ 2000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी सर एवरी मंथ बोला है तो 12 महीने तक निकाला होगा। 12 प्लस 0 कितने नंबर हैं सर 2 हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ गया सर 6 आ गया, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है हम लोग को। जरा देखो, 2000 इंटू 12 24,000 निकाला होगा, 24,000 का 15% के हिसाब से इंटू 15%, 12 महीने का इतना, तो 6 महीने का डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 1800, कितना आ गया सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जरा देखना आप लोग कितना आ गया, जरा ध्यान देना कहाँ है भाई, ये आ गया 1800। ये समझ में आया? हाँ सर ये समझ में आ गया। अभी और भी केसेस हैं, अभी क्वार्टर वाला केस है। क्वार्टर यानी क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर नहीं, रहने वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब 1/4, 1/4, उसका केस है। अभी पहले ये देख लो, पहले मंथ का केस देख लो, फिर क्वार्टर का देख लेंगे, फिर हाफ ईयरली का भी देख लेंगे, सबका देखेंगे। पहले ये आप लोग को रट गया कि नहीं, ये समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ ये आ गया कि नहीं। अगर ये आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, कमेंट कर देना बताना, ठीक है। ये वाला अच्छे से आ गया है कि सर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दिया रहेगा तो प्लस एक, हाँ, एंड ऑफ ईच मंथ -1, मिडिल ऑफ ईच मंथ +0, डिवाइडेड बाय 2, जितना महीना आ गया उतने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, इसको लिख लेना आप लोग। ये फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको आप लोग अब देखना अपने से, आंसर उतना ही आना है जितना जैसे हमने बताया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले आप लोग। हाँ सर ये समझ में आ गया, ये शॉर्टकट ट्रिक थी, डिटेल में भी हम बता देंगे, फिलहाल शॉर्टकट जान लो एक बार। देखो पहले दिमाग में आप लोग के बैठ जाए, क्योंकि कहीं इंडिविजुअली ये कैलकुलेट करने को नहीं आएगा कि ऐसे आप एक चीज़ कैलकुलेट करो। 30 नंबर के आने हैं, इतनी मोटी पार्टनरशिप की बुक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। कहीं पर भी देखो क्वेश्चन के बीच में रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो, करो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग हुई है, शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट करके तुरंत निकाल दो कि फॉर्मूला लगाने वहां बैठोगे आप लोग। फॉर्मूला तो लगाने बैठोगे नहीं, फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला ही लगाते रह जाओगे 3 घंटे में। तो बहुत सी ऐसी अकाउंट की चीजें हैं जो हम लोग शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे, ना कि ये निपोरा झंझना हम लोग नहीं फैलाएंगे, इतना रायता फैला के यहाँ जो है लीपा पोती किया है, ऐसा मत करना भाई, शॉर्टकट सीख लो। अगर अकाउंट में अच्छे मार्क्स चाहिए तो शॉर्टकट सीख लो, पूरे पेपर करना है तो शॉर्टकट सीख लो, ठीक। अरे अभी जब हम आप लोगों को पता है बैलेंस शीट, जब पार्टनरशिप पढ़ाएंगे तो वहाँ बैलेंस शीट कैसे टैली होती है वो जादू भी हम दिखाएंगे। किसी की बैलेंस शीट टैली हो ना हो, टॉपर की टैली हो ना हो, मगर तुम टैली करा के आप लोग जरूर आ जाओगे, ऐसे ऐसे तरीके हम बताएंगे। ये समझ में आया? हाँ सर ये समझ में आया। बिगिनिंग ऑफ, एंड ऑफ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का केस समझ में आ गया? बिल्कुल सर, एकदम परफेक्ट तरीके से, ठीक। हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए आप। ये वाला आ गया ना, मंथ वाला आ गया ना, हाँ सर आ गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा इसका देखते हैं। सर आप जो है ये क्वार्टर वाला का कोई शॉर्टकट ट्रिक बता दीजिए ना,
बिगिनिंग वाला पता है ना, मंथ वाला पता है ना? हाँ सर। अच्छा सर, एक महीने में, सॉरी मंथ में, एक महीना नहीं बोलेंगे नहीं तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मंथ में कितने महीने होते हैं? ये सर क्या आप पूछ रहे हैं? अरे बिल्कुल सही, मंथ में कितने महीने होते हैं? सर एक महीने में तो एक ही महीना होगा ना, अभी देखना बेवकूफ़ी भरा हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं, और बेवकूफ़ी तरीके से पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। अच्छा सर, हम लोग जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट करते थे तो सर ईच मंथ में एक महीना, तो हम लोगों ने प्लस वन किया था। अरे ईच मंथ में एक महीना होता है ना, तो प्लस वन किया था। बात समझना मेरी, भावनाओं को समझिएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ, जब बिगिनिंग वाला केस किया था, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वाले में, तो यही तो किया था, प्लस वन माइनस वन प्लस जीरो, ऐसा ही तो कुछ किया था। हाँ सर, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, ईच मंथ था हर एक महीने का, तो प्लस एक। क्वार्टर में कितना होगा? क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? सर तीन महीने होते हैं, तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो जाएगा, तो प्लस तीन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ तो आ रहा होगा समझ में। हाँ सर समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। सर जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, अब कुछ दिमाग में बात घुसी कि जब केस दिया रहेगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ का मतलब एक महीना, ईच मंथ का मतलब एक महीना, तो हम लोग प्लस एक वाला लेकर के चलेंगे। अगर दिया रहेगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितना महीना? सर तीन महीना, तो प्लस तीन का केस होगा। ब्लर हो रहा है बार बार, पता नहीं क्यों कैसे, चलो ठीक है, समझ में आया बात। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का केस है, हर महीने में एक महीना, तो प्लस वन। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का केस है तो प्लस तीन। इसी तरह एंड ऑफ ईच मंथ का केस था तो माइनस वन किया था, ईच मंथ मतलब एक महीना तो माइनस वन, ईच क्वार्टर तो माइनस तीन। मिडिल का प्लस जीरो किया था, इसमें प्लस जीरो रहेगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। मिडिल में जो है ना जीरो रहेगा हर केस में, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का हो या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का हो। ठीक, इसको कहीं लिख दें, लिख के समझा दें। सर समझ में तो आ गया होगा, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, मगर देख लो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का केस रहेगा, तो ईच मंथ है ना, ईच मंथ लिखा है, दिख रहा है ना, ईच मंथ है, तो ईच मंथ मतलब वन मंथ, एक महीना, तो इधर प्लस वन माइनस वन प्लस जीरो हो जाएगा। और अगर केस होगा किसका, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का, तो ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितना महीना सर, तीन महीना। एक क्वार्टर में कितना महीना सर, थ्री मंथ्स होते हैं ना बच्चे, बताना। हाँ सर तीन महीना, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व, यहाँ पे कैसे होगा ट्रीटमेंट, ईच मंथ के केस में प्लस वन माइनस वन प्लस जीरो, ईच क्वार्टर के केस में प्लस तीन माइनस तीन प्लस जीरो। ठीक है, मिडिल वाला दोनों में कॉमन रहेगा, समझ में आया। क्वार्टर के केस में क्या करेंगे, क्वार्टर तीन महीने का, तो सबको तीन से रिप्लेस कर देना। समझ में आ गया ना? हाँ सर समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। जरा क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला आप लोग देख लेना, ये फॉर्मूला है, नोट कर लेना। ये किसका है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का है। देखो मेरा पढ़ाया आप लोगों को गलत लग रहा होगा जो हम बताएं बात साफ, मगर ये शॉर्टकट ट्रिक है, हम बार बार आपको बता ले, डिटेल में हम बाद में बताएंगे। ठीक, क्योंकि अभी आपको इससे काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन वहाँ करने से मतलब है, हमारा कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा, हम लोग को वहाँ पे जो है सीए वाली जो है दिमाग नहीं लगानी है, हम लोग सीए बन जाएं वहाँ पे, नहीं। उस एग्ज़ाम में हमें ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करने के लिए हमें चाहिए कि हमारा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो, तो हमें शॉर्टकट्स आने चाहिए। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला देख लो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये फार्मूला है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का फार्मूला देख लेना अपना, ये फॉर्मूला है। ठीक, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का फॉर्मूला देख लेना, ये फॉर्मूला है। हम लोग सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग स्मार्ट बंदे हैं। एक चीज सुनिए कि नहीं, चुनौतियों का सामना सिर्फ चूतिया करते हैं, जो स्मार्ट बंदे रहते हैं वो काम करके निकल जाते हैं अपना, और जो चुनौतियों का सामना करते हैं वो की मांतरा आ की मांतरा
ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, आ की मात्रा, ठीक है, वो रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग वो ना बने जो चुनौतियों का सामना करते हैं, अच्छे से काम करें। चलिए देखते हैं, इफ़ ही विड्रॉ 8,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितना विड्रॉ करता है, 8,000 रुपये सर, 8,000 रुपये ईच क्वार्टर, यानी कि सर कितना टोटल, टोटल ड्रॉइंग इसकी कितनी हुई सर, हर 3 महीने पे 8,000 रुपये विड्रॉ करता है, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है ना, हाँ सर एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, अगर नहीं पता तो जान लो हर क्वार्टर में 3 महीना होता है। तो सर हर 3 महीने पे ये 8,000 रुपये विड्रॉ करता है, तो साल भर में कितना करेगा सर, सर साल भर में 4 क्वार्टर होंगे, साल भर में सर विड्रॉ करेगा ये 32,000 रुपये, यही तो करेगा, कुछ और कर लेगा नहीं सर, 32,000 करेगा। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा आप लोग बताना जरा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वाले में सर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो प्लस 3 का फॉर्मूला लगेगा, प्लस 3 कितने महीने तक किया है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर ना, ईच क्वार्टर ना, यानी कि पूरे 12 महीना, पूरा 12 महीना, भले हर 3 महीने पे किया है मगर तो पूरे 12 महीने तक तो इसके ड्राइंग का वो लेंगे ना हिसाब किताब, अगर डेट दी होती तो उस पर्टिकुलर डेट से लेते, मगर डेट नहीं दी है, बोलता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, हर 3 महीने पे ड्राइंग कर लेता है, हर 3 महीने पे ड्राइंग कर लेता है, करता तो चार बार ड्राइंग है मगर पूरे 12 महीने की इसकी ड्राइंग का हिसाब लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो चार्ज होगा पूरे 12 महीने पे ना, हाँ सर, तो यहाँ 12 एक दो है तो डिवाइडेड बाय दो कर दो, तो कितना हो गया, 12 × 3 = 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 हो गया, यानी कि ये 7.5 क्या निकल के आया, ये महीना निकल के आया, यानी कि हमें इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है कितने महीने की, 7.5 महीने की, कितने परसेंट के हिसाब से सर, 10% दे रखा है। तो ज़रा देखो 8,000 रुपये हर क्वार्टर में विड्रॉ करता है, तो एक साल में विड्रॉ करेगा ये 4 बार इंटू 4 32,000 रुपये, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से कितना हुआ सर, 3200 हो गया साल भर का, मगर हमें कितने दिन का चाहिए, सिर्फ 7.5 महीने का, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7.5 कितना आ गया सर, प्लस 1 कर दो राउंड फिगर में आ जाएगा 2,000 रुपये, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का कितना हो गया सर, 2,000 रुपये हो गया, ठीक, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट कर ले, अब क्या कर ले, बिगिनिंग का हो गया, अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड में क्या होता है सर, -3, सामने क्या लिखा जाएगा सर, पूरे साल भर का हम निकाल रहे हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, जरा देखो 12 × 3 गया 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 4.5 आया क्या, हाँ सर 4.5, ये क्या आया, महीना आया 4.5, यानी कि हमें 32,000 पे 8,000 हर क्वार्टर में, यानी 4 बार विड्रॉ किया होगा टोटल 32,000, 32,000 का 10% हमें निकालना है, कितने महीनों के लिए, 4.5 महीनों के लिए, जरा निकालें देखें, 8,000 रुपये विड्रॉ करते हैं ये साल में 4 बार, क्वार्टर का केस है, अगर मंथ का केस होता तो इंटू 12 करते, कितना सर 10% निकालना है, तो ये 12 महीने का आ गया, हमें कितने महीने का चाहिए सर, 4.5 महीने का सिर्फ चाहिए, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4.5 कर दो राउंड फिगर में, प्लस 1 कर देना अगर ये राउंड फिगर में ना हो तो, प्लस 1 कर दो, कितना आ गया सर, 1200 रुपये आ गया, जरा देखो 1200 रुपये आ गया। इसी तरह इसमें अब क्या करेंगे, इफ़ ही विड्रॉ 8,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो सर मिडिल का है तो प्लस 0 कर देंगे, तो यानी 12 + 0 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया, तो 6 महीने का निकाल लो, कर लोगे ना, अब तो कर ही लोगे, 12 + 0 डिवाइडेड बाई 2 6 महीने का, तो 32,000 टोटल ड्राइंग इसकी होगी, 8,000 रुपये हर क्वार्टर में, तो यानी 4 बार विड्रॉ करेगा, 32,000 रुपये टोटल ड्राइंग करेगा इंटू 10% के हिसाब से, ये 12 महीने की है तो हमें 6 महीने की चाहिए, इंटू 6 कर देना, आ गया कितना, 1600 रुपये, दिख रहा है ना 1600 रुपये आ गया, कैलकुलेट कर लेना अपना, 1600 इसकी ड्राइंग हो गई, कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं सर, हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत हुई, इसका समझ में आया केस, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो क्या करेंगे हम लोग, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद एट द एंड ऑफ ईच मंथ -1 डिवाइडेड बाय 2, एट द मिडिल होगा तो +0 डिवाइडेड बाय 2, हमने बताया। इसी तरह क्वार्टर के केस में 3 महीने का होता है तो 12
जितने भी दिन का होगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड होगा तो माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ड्यूरिंग द होगा या मिडिल होगा तो प्लस 0 कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो अगर डेट दी होती ना तो ये 12 की जगह हम लोग उस डेट से लेके कैलकुलेट करके जितना महीना होता वो महीना लिखते, मगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 8,000 रुपये 4 बार विड्रॉ किए इसने, 32,000 किया, मगर वो जो 32,000 किया वो कितने दिन की थी, पूरे 12 महीने की ना थी ना, तो इसलिए हमने यहाँ 12 लिखा। अगर डेट 6 महीना दिया होता तो यहाँ 6 लिख के माइनस 3 करते। यहाँ पे देखना कभी भी ये बदलेगा मगर ये दोनों सेम रहेंगे, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये एकदम सेम रहेंगे। ठीक, अभी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बस इतना बताओ। हाँ सर ये समझ में अच्छे से आ गया, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास में हम लोग करेंगे जब डेट वाइज करेंगे तब थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे। रट गया होगा उम्मीद करते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, चुनौतियों का सामना ना करें, शांति से इसको बस सीखें और आगे बढ़ें। ठीक, तो कल के क्वेश्चन में कल के क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 22 हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।